कोलन यानी बड़ी आंत का कैंसर हमारे देश के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। करीब एक तिहाई मरीजों में कैंसर स्टेज 4 में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस स्टेज पर भी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट को लंबी और गुड क्वालिटी लाइफ दी जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD and DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे चैनल पर कंडक्ट किए गए पॉल में सबसे पॉपुलर टॉपिक कॉलन कैंसर स्टेज 4 का इलाज पिक किया गया था। तो ऑन पॉपुलर डिमांड हम ये टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज के एरा यानी 2020 में स्टेज 4 कॉलन कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, जब कोई स्टेज 4 कॉलन कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है इलाज के लिए, हम उनमें तीन मेन चीजें देखते हैं। नंबर वन, कैंसर किस टाइप का है। किस टाइप में हम दो तीन चीजें देखते हैं। नंबर वन ये देखते हैं कि कैंसर किस पार्ट ऑफ कॉलन से शुरू हुआ है, यानी लेफ्ट साइड, मिडल साइड या राइट साइड। कैंसर के जेनेटिक मार्कर्स कौन से हैं, ये कुछ स्पेशल बायोमार्कर्स यानी DNA टेस्ट होते हैं जिसको करके हम चेक करते हैं कि इस कैंसर में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं। और ये भी देखते हैं कि ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला है। जैसे कि यदि हम कॉलन कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमनली वो एब्डोमेन के लाइनिंग में फैलता है, लिवर में फैलता है और कुछ अनकॉमन केसेस में लंग और बोन में भी फैलता है। तो इन साइट्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है और लोकल साइट्स को हम टारगेट कर सकते हैं या नहीं। नंबर तीन चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि पेशेंट कितना फिट है, कितना तंदुरुस्त है, यानी पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की वीकनेस लेवल क्या है, बॉडी वेट क्या है, लिवर किडनी फंक्शन इत्यादि क्या है, क्या पेशेंट कीमोथेरेपी टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। तो यदि हम कॉलन कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो मेन कॉलन कैंसर के ट्रीटमेंट में हम चार टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कॉलन कैंसर में है कीमोथेरेपी। तो दोस्तों, कॉलन कैंसर की कुछ स्पेशल फीचर्स होती है। ये ऐसा कैंसर है जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जिनमें हम ये थेरेपीज यूज करते हैं, हमें थेरेपीज को कीमोथेरेपी से कंबाइन करना पड़ता है। क्योंकि ये थेरेपीज यदि पेशेंट को अकेले दी जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में अकेले काम नहीं करती। यदि हम परसेंटेज में बात करें तो ऑलमोस्ट 95% कॉलन कैंसर पेशेंट जिनको स्टेज 4 कॉलन कैंसर है उन्हें कीमोथेरेपी लेना ही पड़ेगा। इसलिए कीमोथेरेपी इस कैंसर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉलन कैंसर में कीमोथेरेपी में बहुत सारी ऑप्शंस है। ओरल कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है। यूजुअली कीमोथेरेपी का कॉस्ट काफी कम है। कीमोथेरेपी हर जगह यानी छोटी छोटी रिमोट जगह पे भी अवेलेबल है, और यूजुअली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट काफी कम होते हैं, यानी ये लाइट कीमो होती है, और ओल्ड एज यानी 70-80 की एज पे भी कुछ पेशेंट्स को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेज 4 कॉलन कैंसर में ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। अगली टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों, टारगेटेड थेरेपी से हमारा तात्पर्य कुछ स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी से है जो कैंसर सेल में प्रेजेंट स्पेसिफिक DNA एबनॉर्मैलिटीज को टारगेट करके उस ट्यूमर सेल को कंट्रोल करती है। तो ये कुछ सेट ऑफ दवाइयां है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ टैबलेट्स है जो कॉलन कैंसर के ट्यूमर को रोकने में हेल्प करती है, और यूजुअली इनके साइड इफेक्ट्स बहुत माइल्ड होते हैं। कॉलन कैंसर में हम मेनली चार अलग अलग तरह की टारगेटेड थेरेपी का यूज करते हैं, और ट्यूमर की DNA टेस्टिंग जनरली हमें बताती है कि कौन सी टारगेटेड थेरेपी किस कॉलन कैंसर के पेशेंट में यूज की जा सकती है। तो सबसे पहली टारगेटेड थेरेपी जो कॉलन कैंसर में यूज की जाती है उसे बोलते हैं एंटी एंजियोजेनिक टारगेटेड थेरेपी। इसमें दो तीन दवाइयां है, बट सबसे इंपॉर्टेंट दो दवाइयां है बेवासिजुमैब जो कि एक स्पेशल तरह का इंजेक्शन होता है, और रेगोराफेनिप जो एक स्पेशल तरह की टैबलेट होती है। इन थेरेपीज का मेन पर्पस ये होता है कि ट्यूमर सेल का ग्रोथ जो ब्लड वेसल्स के ग्रोथ की वजह से हो रहा होता है उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है ताकि ट्यूमर सेल को ब्लड सप्लाई ना मिल सके और बिना न्यूट्रिशन के उस सेल की डेथ हो जाए। जनरली इन थेरेपीज को जनरली बेवासिजुमैब को कीमोथेरेपी से कंबाइन करके दिया जाता है, वाइल रेगोराफेनिप को इंडिविजुअल टैबलेट के रूप में दिया जाता है जब दूसरी थेरेपी फेल हो जाती है। नंबर टू थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी EGFR टारगेटेड थेरेपी।
तो दोस्तों कुछ कॉलन कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजली इन इंजेक्शन को अकेले नहीं यूज करते और कीमोथेरेपी से इनको कंबाइन करके यूज किया जाता है। तो जेनेटिव टेस्टिंग हमें बताती है कि किस पेशेंट में एंटी ईजीएफआर इंजेक्शन हम दे सकते हैं और किसमें हम नहीं दे सकते, और जिन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन हम दे सकते हैं उनको इन थेरेपी की एडिशन से बेटर ट्यूमर कंट्रोल, लॉन्गर डिजीज कंट्रोल और बेटर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ का बेनिफिट मिलता है। नंबर तीन थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी बीराफ थेरेपी। तो दोस्तों बीराफ एक जीन है जो करीब 10% कॉलन कैंसर पेशेंट में एक्टिवेटेड होता है, जो कि ट्यूमर को फास्ट ग्रो कराता है और पेशेंट को पुअर आउटकम देता है। रिसेंट टाइम में कुछ नई डिस्कवरीज ने पाया है कि कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शन कॉम्बिनेशन से बीराफ म्यूटेंट कॉलन कैंसर को रोका जा सकता है। अच्छी चीज क्या है कि बीराफ डायरेक्ट थेरेपी के लिए पेशेंट को साथ में कीमोथेरेपी लेने की जरूरत नहीं है और इन थेरेपी से बिना कीमो के बीमारी को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये थेरेपीज यूजली बहुत लंबा बेनिफिट नहीं देती, और चूंकि ये थेरेपीज न्यू है इसलिए इस समय का कॉस्ट बहुत हाई है और ये पेटेंटेड ड्रग्स है। तो अनलेस ये ड्रग्स ऑफ पेटेंट जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग इन ड्रग्स का कॉस्ट ज्यादा है, होपफुली इन फ्यूचर में ये ड्रग्स का कॉस्ट कम होगा और पेशेंट्स को ये थेरेपी एक्सेसिबल होगी। नंबर फोर थेरेपी जो कॉलन कैंसर में हम यूज करते हैं उसे एंटी हर2 टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो दोस्तों हर2 जीन डिफेक्ट बहुत कम कॉलन कैंसर पेशेंट्स को होता है। ये अगेन ये एक ऐसा डिफेक्टर है ट्यूमर सेल को ग्रो और प्रोलिफरेट कराने के केपेबल बनाता है। तो कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां है, इंजेक्शन एंड टैबलेट बोथ, जो इस ट्यूमर ग्रोथ को स्टॉप कर सकती है और ट्यूमर को कंट्रोल कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि ये थेरेपी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉलन कैंसर पेशेंट्स में ही काम करती है जिनको हम टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, बट जिन पेशेंट्स में काम करती है यूजली ये थेरेपी उनको अच्छा बेनिफिट देती है। अगली थेरेपी जिसकी हम बात करेंगे उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों कॉलन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी ने वो बदलाव नहीं किया जितना कुछ अन्य कैंसर में किया है, जैसे कि यदि हम लंग कैंसर की बात करें, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर की बात करें, इनमें इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा बदल दिया है। बट चूंकि कॉलन कैंसर एक इम्यूनो रेजिस्टेंट ट्यूमर है, यानी कि इम्यूनोथेरेपी से इसके सेल यूजली रेजिस्ट करते हैं, इसलिए इम्यूनोथेरेपी ने कॉलन कैंसर के ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। नेवरदलेस अराउंड 5% पेशेंट कॉलन कैंसर के ऐसे होते हैं जिसमें एक स्पेशल तरह का जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसको हम माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कुछ ऐसे पेशेंट है जिसमें इम्यूनोसेंसिटिविटी बहुत हाई है और इनफैक्ट कीमोथेरेपी भी ऐसा आउटकम नहीं दे सकती जो इम्यूनोथेरेपी दे सकती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डीप रिस्पॉन्स होता है जो जनरली लॉन्ग लास्टिंग होता है विदाउट लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है कि कॉलन कैंसर के पेशेंट्स को इस टेस्ट से सब्जेक्ट किया जाए और यदि उनका ट्यूमर MSI पॉजिटिव है तो पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट दिया जाए। और दोस्तों लास्ट थेरेपी जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं सर्जरी। तो सर्जरी से हमारा तात्पर्य ये है कि ट्यूमर के पार्ट्स या पीसेस को बॉडी से काट के बाहर निकालना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट ऑफ कॉलन कैंसर जिनमें स्टेज 4 है यूजली हम सर्जरी का इस्तेमाल नहीं करते, पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूमर का वॉल्यूम बहुत लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को आंत का कैंसर है और 2 या 3 लिवर में काटे हैं, तो ऐसे केस में आंत के ऑपरेशन के साथ साथ लिवर का ऑपरेशन करके बीमारी को 100% बॉडी से निकाल के जड़ से इलाज पॉसिबल है। सिमिलरली जिन लोगों की एब्डोमेन के लाइनिंग में डिपॉजिट है और कोई साइड पे बीमारी नहीं है, उनमें भी उस लाइनिंग को क्लीन करके ट्यूमर को रिमूव करके ट्यूमर को क्योर किया जा सकता है। परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये है ये सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स में एप्लीकेबल है जिनका अर्ली स्टेज डिजीज है। कभी कभी पेशेंट्स में ट्रीटमेंट्स कंबाइन भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को लिवर में 3 कांटे हैं पर उनका साइज ज्यादा है, तो हम पहले कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी जोड़ के उस ट्यूमर को छोटा करके फिर उन गांठों को भी रिमूव कर सकते हैं और ट्यूमर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि इन चीजों को इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू आपको नेविगेट करें, आपको गाइड करें। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग रहेगा, कुछ पेशेंट्स को सिर्फ कीमोथेरेपी ठीक रहेगी, कुछ को कीमो विद टारगेटेड थेरेपी सही रहेगी, कुछ को इम्यूनोथेरेपी सही रहेगी और कुछ को सर्जरी और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट विद सर्जरी सही रहेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को अपने सहयोगी बनाए और उनकी मदद से अपना ट्यूमर नेविगेट करें ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जाए और कुछ केसेस में क्योर भी किया जाए और लंबे से लंबी नॉर्मल लाइफ।
जीना पॉसिबल रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारे रिकरिंग सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि हमारे चैनल के फ्रीक्वेंट पॉल्स में सब्सक्राइबर्स को ऑप्शन दी जाती है कि अपने पसंद के वीडियो टॉपिक को नॉमिनेट करें या अपने पसंद के वीडियो टॉपिक के लिए वोट करें। ये टॉपिक हमने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ने इस वीडियो के लिए वोट किया और फ्यूचर में भी हमारे चैनल का पॉल्स आते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का गोल ये है कि हमारे इंडियन पेशेंट्स को भी वर्ल्ड के लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट और नॉलेज मिले उनकी अपनी भाषा में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़े। यदि इस वीडियो में कोई ऐसा सवाल या क्वेरी है जो आपके माइंड में है जो हमने डिस्कस नहीं करी है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चैनल से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपका आंसर आपको जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए इतना ही।